तो ऐसे लोग जो शिमला में स्नोफॉल का इंतजार कर रहे थे, उनका यह सपना अब जल्दी ही पूरा होने वाला है, क्योंकि मौसम विभाग ने बोला है कि अब जल्दी ही शिमला में स्नोफॉल देखने को मिल सकती है। जी हां दोस्तों, शिमला में अब जल्दी ही आपको स्नोफॉल देखने को मिल सकती है। वो अब दिन दूर नहीं जब हमारा शिमला, जब अपना शिमला पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ आपको और हमको नजर आ सकता है, क्योंकि मौसम विभाग ने बोला है कि अभी एक नहीं बल्कि दो दो पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहे हैं। आपको याद होगा इससे पहले 9 जनवरी और 17 जनवरी दो बार स्नोफॉल हुई थी, वो शिमला में तो नहीं हुई, नारकंडा में हुई थी। आप वो मेरी पुरानी वीडियोस निकाल लेना, तब आपको मैंने पहले भी बोला था कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहे हैं उसके बाद अच्छी खासी स्नोफॉल हो सकती है, और हुआ भी वैसा ही था। अभी मौसम विभाग ने तो और भी खुशखबरी अच्छी दी है कि अभी एक नहीं बल्कि दो दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहे हैं। वो हो रहे हैं 25 और 27 जनवरी को। 25 जनवरी को जो पहला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है, उसका परिणाम ये हो सकता है कि आपको 26 जनवरी के दिन स्नोफॉल देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो 27 जनवरी को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा, तो उसका असर होगा कि 28 तारीख को आपको स्नोफॉल देखने को मिल सकती है, और ये मैं शिमला की बात कर रहा हूं। हालांकि इसके चांसेस कम है, लेकिन स्नोफॉल फिर भी हो सकती है शिमला में। शिमला में अगर ना भी हुई तो आपको नारकंडा में और कुफरी में, हो सकता है कुफरी में, नारकंडा में तो आपको स्नोफॉल देखने को मिल ही जाएगी। लेकिन इससे भी अच्छी खुशखबरी यह है कि ये दोनों पश्चिमी विक्षोभ जब 25 और 27 जनवरी को एक्टिव होंगे, तो उसके बाद ठंड काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, और सबसे बड़ी बात कि रेनफॉल की भी प्रेडिक्शन है। अगर एक बार बरसात हो जाती है, क्योंकि अभी तक तो एक बार भी बरसात नहीं हुई, बारिश नहीं हुई, अगर बारिश होती है तो फिर बर्फबारी के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे कि आपने कई वेबसाइट पे देखा भी होगा, वहां पे लिखा होगा कि 25% 30% स्नोफॉल की प्रेडिक्शन है। क्यों? अभी ये इतनी लो इसलिए है क्योंकि अभी तक बारिश नहीं हुई। अगर इस बार बारिश हो जाती है तो आप मान लीजिए वही ये जो प्रेडिक्शन है इसके चांसेस सच होने के काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो 25, 26, 27 और 28 ये ऐसे चार दिन है जब शिमला इसके आसपास के क्षेत्रों में स्नोफॉल हो सकती है। लेकिन अगर 25, 26, 27, 28 को शिमला में स्नोफॉल ना हुई तो आपको नारकंडा में तो स्नोफॉल देखने को मिल सकती है। लेकिन इसके साथ ही जो अगले चार दिन होंगे, यानी 29, 30, 31 और 1 फरवरी, अगले चार दिनों में तो फिर आपको शिमला में पक्का स्नोफॉल देखने को मिल सकती है। या मैं शिमला की बात कर रहा हूं, शिमला सिटी की बात कर रहे हैं हम, रिज ग्राउंड पर आपको स्नोफॉल देखने को मिल सकती है। जो जाखू पीक है, जाखू टेम्पल की तरफ रोड जाती है, वहां पर आपको ट्रैकिंग करते हुए अच्छी खासी स्नो देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो अपनी माल रोड है वहां पर भी आपको जबरदस्त स्नोफॉल देखने को मिल सकती है। तो आप याद रखिए, अगर आप प्लान कर रहे हैं शिमला घूमने का, तो यह फिलहाल अच्छा समय है कि आपको शिमला में स्नोफॉल देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर शिमला में ना हुई तो आप कोशिश यही करिए कि जो आपकी पहली स्नोफॉल होगी ना, वो नारकंडा में ही होगी। तो अपना जो स्टे है, आप कोशिश करिए कि वो नारकंडा की तरफ ही रखिए। अगर 25, 26, 27, 28 को शिमला में चाहे हल्की सी भी, थोड़ी सी भी स्नोफॉल हो जाती है, तो उसके चार दिन काफी ज्यादा चांसेस है, यानी कि 28, 29, 30, 31 या फिर 29, 30, 31 और 1 फरवरी को काफी चांसेस है। फिर उसके बाद आपको शिमला में भी स्नो देखने को मिल सकती है।